हॉकी के लेजेंड संदीप सिंह पर एक फिल्म बनाई है शाद अली ने, जिसका नाम है सूरमा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शाद अली, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शाद। वो क्या बात थी और किस मोमेंट पे, किस वक्त आपको लगा कि सूरमा फिल्म बनानी चाहिए, संदीप सिंह की जो कहानी है पूरी दुनिया को बतानी चाहिए? जिस दिन मैंने वो कहानी लिटरली संदीप के हाथ से लिखी हुई मैंने पढ़ी थी, उसने एक 30 पन्ने की कहानी दी थी हमको, उसको रखते ही मैंने कहा कि ये एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी है जो डेफिनेटली कहनी चाहिए। उससे पहले मैं संदीप से मिलना चाह रहा था, फिर मैं संदीप से मिला और मैंने बहुत वक्त बिताया संदीप और उसके भाई विक्रम के साथ। इनफैक्ट इसी होटल के स्विमिंग पूल के पास उन्होंने कम से कम हफ्ते 10 दिन तक उसकी कहानी का एक एक पहलू, एक एक सीन डिस्कस किया, यहीं पे लिखनी शुरू की। किस तरह की मशक्कत इस फिल्म को बनाने में लगी है और किस तरह की रिसर्च आपको करनी पड़ी? हालांकि संदीप सिंह ने खुद ही अपनी कहानी बयां की होगी, फिर भी हॉकी एक ऐसा गेम है जो काफ़ी डिफिकल्ट भी माना जाता है, काफ़ी न्यूएंसेस भी है उसमें इन्वॉल्व है, तो किस तरह की मशक्कत आपको करनी पड़ी? लकीली मैं हॉकी खेल चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में और मुझे फिल्म में हॉकी नहीं खेलनी थी, तो मेहनत और मशक्कत एक्टरों को करनी पड़ी थी, लेकिन उसको किस तरह से कवर करना है, किस तरह से शूट करना है, उसमें बहुत साथ संदीप और विक्रम ने दिया। इनफैक्ट हम लोग ने इसमें कोई भी स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर या स्पोर्ट्स डायरेक्टर नहीं हायर किया, हम लोग ने खुद ही इसको प्लान करके उसको एग्जीक्यूट किया। तापसी पन्नू को आपने इस फिल्म में हीरोइन के तौर पर लिया है, दिलजीत दोसांझ संदीप सिंह बने हैं, इन दोनों किरदारों का चुनाव आपने किस बेसिस पे किया? क्या आपको लगा कि दिलजीत दोसांझ जो है इस रोल के लिए परफेक्ट है और तापसी पन्नू जो हरप्रीत बनी है उस रोल के लिए परफेक्ट है? आई थिंक दोनों का बिल्कुल ही उनके टैलेंट और उनके मेरिट पर उनका सिलेक्शन हुआ है और मैं कोई जज या टीचर नहीं हूँ उनको नंबर देने के लिए, लेकिन वो दोनों बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, बहुत सच्चे कलाकार हैं और इस फिल्म को बिल्कुल शूट करते थे। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप भी हॉकी खेल चुके हैं, उस दौरान की बातें बताइए जब आप हॉकी खेलते थे, क्या प्रोफेशनल लेवल पे भी खेलते थे या सिर्फ शौक के तौर पर? नहीं, शौक के तौर पर नहीं, स्कूल के लिए खेलता था मैं और अपनी स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किया, बट स्कूल के बाद फिर मैंने हॉकी इतनी नहीं खेली, मैं क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान था मेरा, और फिर जब आप काम करने लगते हैं तो बहुत कम मौका मिलता है स्पोर्ट का, लेकिन जब अभी जब हम लोग शूट कर रहे थे तो फिर वापस हॉकी खेलने का मजा आया। बॉलीवुड में जब कभी भी बायोपिक बनती है किसी भी शख्स पर बनती है तो उसे काफ़ी ड्रामेटाइज किया जाता है, ऐसे कई उदाहरण हाल ही में देखने को मिले हैं, चाहे वो भाग मिल्खा भाग की बात हो या कोई और स्पोर्ट्स फिल्म की बात हो, मैरी कॉम की बात हो, तो काफ़ी ड्रामेटाइज किया जाता है। आपने किस तरह की लिबर्टी इस फिल्म में इस कहानी के साथ ली है शायद? मैंने कोई लिबर्टी नहीं ली है कहानी के साथ, मैंने जैसी कहानी है उसको वैसे ही दर्शाया। ये माध्यम ऐसा है कि वो अपने ड्रामे के साथ ही आता है और हमें क्योंकि निजी लाइफ नहीं मालूम है तो हमें लगता है कि ये ड्रामेटाइज क्या हो गया हो, अब हमें क्या पता कि शायद उस निजी लाइफ में ज़्यादा ड्रामा हो फिल्म से भी। तो आपको एज अ दर्शक भरोसा रखना पड़ेगा कि इन लोगों ने सच्ची बात कही होगी, अनलेस कोई किसी को ज़्यादा पता हो या कम पता हो, बट जितना हमने संदीप सिंह से और उसके फैमिली से जानकारी ली है हमने टोटली उसी पे आधारित करके फिल्म बनाई है। कहा जा रहा है कि तापसी पन्नू और दिलजीत दोसांझ का जो रोमांस, हरप्रीत और संदीप सिंह का रोमांस जो है वो थोड़ा सा फिक्शनलाइज है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? अब ये कौन कह रहा है मुझे नहीं पता और कौन नहीं कह रहा है ये भी मुझे नहीं पता, ये तो फिल्म देखने के बाद ही समझ में आएगा लोगों के कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली फिल्म का एक सरप्राइज है और क्योंकि वो ही एक चीज़ है जो डेफिनेटली किसी को नहीं पता, बाकी सारे पहलू लोगों को पता होंगे, ये एक पहलू है जो किसी को नहीं पता होगा, ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या है वो पहलू। शायद आपने अपनी पहली फिल्म जो बनाई थी साथिया, उसमें गुलजार बतौर लिरिसिस्ट थे और कई फिल्मों में आपने गुलजार के साथ काम किया है, हाँ सभी फिल्मों में काम किया है, एक खास तरह की ट्यूनिंग है उनके साथ, इस ट्यूनिंग के बारे में बताइए कि आप अक्सर गुलजार के साथ ही काम करना पसंद करते हैं और इस फिल्म में भी आपने गुलजार को लिया? क्या, मैं तो हर बार उन्हीं के साथ काम करूँगा और जब तक फिल्में बनाऊँगा तब तक उन्हीं के साथ काम करूँगा और वो
अब उनके बारे में क्या बताया आदमी, दुनिया जानती है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरा उनका पर्सनल जो रिश्ता है वो बहुत करीबी है, और वो मेरे एक दोस्त भी हैं, मेरे एक पार्टनर भी हैं काम के मामले में, जो कि एक अच्छी फीलिंग है कि आपके इतना सीनियर और इतना लेजेंडरी आदमी आपके साथ भागीदार है काम में, और बड़े मज़े आते हैं हम लोगों को काम करने में। लड़ाइयाँ भी होती हैं हमारी काफ़ी जोरदार, आप लड़ते भी गुलजार साहब के साथ, मतलब ये लिबर्टी तो बहुत कम लोगों को मिलती होगी, गुलजार साहब के साथ लड़ सकता है कोई? तो वो होते हैं किस तरह की लड़ाई होती है, वो किसी बात पे भी हो सकती है, तो दैट क्योंकि वो काम करने के साथ साथ वो पैकेज में आता है। आई एम श्योर उनके और मेघना की भी झगड़े होते होंगे काम को लेके, तो आई थिंक ही ऑल्सो इन्जॉयज दैट। फिर रात में 10:30-11 बजे उनका फ़ोन आएगा कि नहीं मुझे लगता है कि मैं अभी सही हूँ, या वो कहेंगे कि मुझे लगता है कि तुम सही हो, तो दैट इज वो आपके हम उम्र के साथ के लोगों के साथ आप वो रिश्ता नहीं बना सकते, और ना ही आप अपने पेरेंट्स के साथ वो रिश्ता, तो वो बहुत ही स्पेशल रिश्ता होता है जो जब आप इतने सीनियर आदमी के साथ काम करते हैं। ये पूछना थोड़ा ज़ाती होगी कि हर फिल्म में गुलजार साहब ने तो गाने लिखे ही हैं, आपका फेवरेट एल्बम कौन सी, फेवरेट फिल्म है जिसमें गुलजार साहब ने गाने लिखे हैं, अगर इस बारे में अगर आपको चुनाव करने के लिए कहा जाए आपकी ही फिल्म? मेरे तो सभी ऐसे फेवरेट भी कहूँगा नहीं है, कहूँगा क्योंकि मुझे, मैं अपने काम से अटैच नहीं रहता हूँ, मैं फिर आगे बढ़ जाता हूँ, तो अब जब नेक्स्ट जो काम होगा मुझे लगता है वो फेवरेट होगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि गुलजार साहब के कौन से लिरिक्स, कौन से फिल्म के? सारे ही लिरिक्स अच्छे हैं उनके काम की, तो मतलब मैं कितनी तारीफ करूँ कम होगी। आई थिंक सूरमा फिल्म में सारे गाने, मुझे लगता है एक गाना है परदेसिया जो बाद में जब म्यूजिक रिलीज होगा तो आएगा, मुझे लगता है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। वैसे बचपन से भी आपने गुलजार के काफ़ी गाने सुने होंगे, अगर पुरानी फिल्मों की बात करूं, गुलजार साहब के कौन से नगमे आपको काफ़ी पसंद हैं? मुझे आंधी फिल्म का तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, मेरा फेवरेट, बहुत ही बढ़िया गाना, मेरा भी फेवरेट है। जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने साथिया से शुरुआत की थी, पंटी बबली बनाई, किल दिल बनाई, ओके जानू बनाई, और आप सूरमा बना रहे हैं, आप अपने करियर को किस तरह से देखते हैं? काफ़ी आप चुनिंदा फिल्में बनाते हैं, काफ़ी गैप के बाद बनाते हैं, क्या आपको लगता है वो मकाम आपने एज अ डायरेक्टर हासिल किया बॉलीवुड में जो आप डिज़र्व करते हैं? मैंने तो कोई भी मकाम हासिल नहीं किया, और मैं ये गैप बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी है, गैप नहीं है, ये मजबूरियों के गैप हैं जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर साल मैं एक फिल्म बनाऊँ, और मैंने कोई ऐसा चार्ट आउट नहीं किया अपना करियर, मैं हर फिल्म को सोचता हूँ पहली फिल्म में और फिर उसी हिसाब से चलता हूँ। तो व्हाट नेक्स्ट में ये भी जानना चाहूँगा, सूरमा के बाद क्या आप प्लान कर रहे हैं? आपके पास कुछ कहानी हो तो बताइए, मैं तो अभी ढूंढ रहा हूँ कहानी। चलिए, अगर मेरे मन में कोई कहानी आए और मैं कुछ लिख पाया तो आपके पास ज़रूर आऊँगा। प्लीज़। शादी एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।